शांति। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता है। तो बुद्धि का ताला खोलने का क्या तात्पर्य है, पहले हम ये समझते हैं। देखिए, यदि चाबी हमारी गुम हो जाए तो ताले को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा और मजबूत लोहा लाना पड़ता है, और जब चाबी हमारे पास होती है तो ताला छोटे से चाबी से कितने सहज तरीके से खुल जाता है, उसके दिल में जाकर मोल्ड करता है और ताला खुल जाता है। तो यदि बुद्धि का ताला हमारा सहज रीति से खोलना है तो शिव बाबा को अपने दिल में रखना होगा, क्योंकि चाबी वही है। तो इस छोटे से चिरपरिचित उदाहरण से मैं समझाना अपने आप को भी और आप सबको भी ये चाहता हूँ कि हमें सिर्फ योगी नहीं बनना है। योगः कर्मसु कौशलम्। तो कर्म की कुशलता, कर्म में श्रेष्ठता हो, कर्म योगी, सिर्फ योगी नहीं बनना है। जैसे एक बॉल है, उसे आप पूरे दम के साथ ऊपर उछालिए तो कितना भी आप ऊपर उछालेंगे, वो बॉल अंत में कर्म क्षेत्र पे आएगी ही, धरती पे आएगी ही। साइंस भी उसका रीजन बताता ही है। तो हम उस कारण पे नहीं जाते हैं। योग यानी जोड़ना, मिलना, लगन में मगन होना, ये ऊपर की चीज़ है, ये परमात्मा के साथ हमें करना है, लेकिन कर्म भी करना है। तो हम निरंतर योगी बने। केवल योगी बनेंगे तो माया का जो है, माया की चोट से हम सह नहीं पाएंगे, असहनीय चोट होती है माया की, और फिर हम उससे कभी उबर भी नहीं पाएंगे। तो माया की चोट से यदि उबरना है, सेकंड में पुल स्टॉप लगाना है, तो निस्वार्थ प्रेम उस एक शिव बाबा से, और न्यारा प्यारा होकर किनारा करके, तो शिव बाबा से यदि हम जुड़े रहेंगे और उसकी लगन में मगन रहेंगे और कर्म करते रहेंगे, तो कभी हताशा, निराशा, आलस्य, अलबेलापन कभी हमारे इर्द गिर्द नहीं आएगी। और उसके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो है आत्मा का रियलाइजेशन। आत्मा को हम रियलाइज करें, आत्मा की अनुभूति बहुत ज़रूरी है। आत्मदीपो भवः, हमने भक्ति में भी सुना है। तो आत्मा को समझना, शरीर नहीं हूँ मैं, शरीर बस कॉन्शियस में रहे कि हाँ, हड्डी मांस का ये शरीर है, लेकिन हम वेटलेस हो जाएं, फरिश्ता रूप, तभी हम परमात्मा को याद भी कर पाएंगे। ओम शांति।